देख सकते हो ये जो पाइप है, ये पाइप मोटर से मोटर का पाइप है, ये यहाँ से सीधा ये ऊपर हमारी खिड़की से जाएगा। ये कंटेनर आप देख सकते हो ये छन्नी में जूस निकाला जा रहा है, ये बड़ी सी कढ़ाई में स्टोर होगा, इसमें पूरा छन के जा रहे हैं और ये टोटल 700 लीटर है। और साहब बताइए इसको इस तरह से चलाना पड़ता है कि वो अच्छे से मिक्स हो जाए। जो भी गन्ने का भूसा है पूरा इसके अंदर डाल रहे और इसमें आग लगा, इसमें अभी आग लगा दिया भैया, जिसमें आग लगा दी है। मेरे को ये नारा है यहाँ पे, ऐसा डंडा डाल के ये कर रहे हैं पूरा फ्लेम में। आप देख सकते हो क्या कितने बढ़िया आग लगी है, क्या फ्लेम है, बाप रे। इस प्रोसेस से क्या बोलते हैं किया जाता है पूरा, यहाँ से ब्लोअर ये जाता है अंदर और उसको हवा देता है और ये आग बढ़ती रहती है। यहाँ पे इन्होंने बड़ी चिमनी दी है, इसके थ्रू ये पूरा इसका धुआं निकल रहा है। फिर यहाँ का जो भी कचरा पूरा छान के इसमें निकल रहा था। जितना ज्यादा बॉयल आ रहा उतना ज्यादा इसका कचरा निकल जा रहा है। इससे अच्छे डालने से और साफ होता है, क्लीन होता है। जैसे अगर इसमें फ्लेम बढ़ रही है, फ्लेम बढ़ने की वजह से फोम ज्यादा आ रहा है, तो फोम ज्यादा जैसे आता है वैसे ही दादा इसको घुमाते रहते। देख सकते हो इसको दादा एकदम फास्ट तरीके से घुमा रहे। आप देख सकते हो जब डाला था तो बहुत सारा था, अभी ये जल जल के कम हो गया। दादा इसके अंदर डालने के बाद में कितना टाइम रखना पड़ता है? डेढ़ दस तो डेढ़ घंटे तक इसको रखते हैं इसके अंदर, उसके बाद में फिर गुड़ को निकाला जाता है। यानी क्या होता है? गुड़ की खुशबू आ रही है इसमें। ये भी चला के बहुत कम हो गया, कहा उसका लेवल कहा था और कहाँ पे पहुंच के है अभी ये। इनके लिए झाड़ू मार रहे हैं, जो भी नीचे लगा उसको निकाल दे रहे हैं। गुड़ आना स्टार्ट हो गया, आना चालू हो गया है। यहाँ से गुड़ का रस यहाँ से आ रहा है, देखो कैसे फैल रहा है। खाली हो रहा है सब, देखो कैसे धक्का मार रहे। इस प्रकार इसके अंदर अभी थोड़ा इन्होंने केमिकल डाला है, कंटिन्यूसली यहाँ पे इसको ठंडा किया जा रहा है। ठंडा होने के बाद में फिर ये आगे डिब्बों में भरा जाएगा। ये
ये गुड़ बनाने की प्रोसेस है, जो व्हाइट गुड़ रहता है उसकी बनाने की प्रोसेस ये है। आते काम करते इस तरह से हमें गुड़ भरा जाता है, वैसे स्टोर में निकल रहा है, ये बैठा हो चुका है गुड़, इस तरह के इस तरीके से निकाला जा रहा है इसको। ऑलमोस्ट मैंने निकाल लिया है, तो एक लॉट अभी हो गया यहाँ पे निकल के। अभी जो भी बाल्टी में क्या बोलते हैं ये निकाल के ले रहे हैं, जो भी बाल्टी में निकाल के ले रहे हैं वो तो पूरा यहाँ पर क्या बोलते हैं ये अंकल के पास में लेके आ रहे हैं। यहाँ पे जो फैन लगा है वो फैन की मदद से इसे जल्दी ठंडा कर रहे हैं। वैसे तो इसको टाइम लगता है डेढ़ घंटा, अंकल ने बताया यहाँ पे डेढ़ घंटा लगता है। देख रहे हैं आप 10 किलो का ये एक है, गुड़ का ठेला ये 10 किलो का एक है, इसमें एयर बबल नहीं होना चाहिए, इसको जैसे अच्छे से सेटल कर रहे हैं। सेटल करने के बाद में फिर से इसको ओपन करके रख रहे हैं। 10 किलो वाले 22 बन के रेडी हो चुके हैं और 5 किलो के 4, तो इसको रिमूव करके दिखाएंगे। तो भाई हमारे यहाँ पे गुड़ बन के तैयार हो चुका है, अभी वो पूरी प्रोसेस होने के बाद में डेढ़ घंटा हो गया, डेढ़ घंटे के बाद में ये गुड़ बन के रेडी हो चुका है।